हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका मैराथन क्लास 3 ने ले वाले है सोशल स्टडी क्लास का। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट से हम आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। उससे पहले हमारा 2 मैराथन क्लास हो चुका है सोशल स्टडी का। ये जो क्लास है ये आपका SCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर आपका आसाम टेट या फिर CTET में पूछा गया और बाकी काफ़ी कुछ डिपार्टमेंट में भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये वाला सीरीज़ में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आपको, और आपका यही रिस्पांस देख के हमें और मोटिवेशन आता है कि हम इसी लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं हमारा मैराथन क्लास 3। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमारा 50 क्वेश्चंस का सेट होने वाला है, तो चलिए सर स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु एमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक आसाम इज इट्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। बोलिए सर, इस बुक का ऑथर कौन है? आसाम इज इट्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। राइट आंसर इज योर बी, बनिकंता काकती ने बुक लिखा आपका आसाम इस फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट इंडिपेंडेंट अहोम किंग वाज। अहोम किंग का लास्ट किंग कौन थे? आंसर इज योर पुरंदर सिंहा। हमने ऐसे याद किया मतलब अहोम किंग लास्ट तक आते आते पुराना हो गया था। अहोम किंग लास्ट तक आते आते पुराना हो गया था, पूरा एकदम बिल्कुल पुराना हो गया। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते किंग का नाम था पुरंदर सिंहा। बहुत ही अच्छा। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे सर, देखिए, द एंग्लो आसामीज डिक्शनरी प्रिपेयर्ड बाय माइल्स ब्रॉन्सन कंटेंट हाउ मेनी वर्ड्स। ये अगेन और एक क्वेश्चन है, फर्स्ट एंग्लो आसामीज डिक्शनरी कौन प्रिपेयर किए थे? ये PNRD 2018 में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट एंग्लो आसामीज डिक्शनरी कौन लिखे थे आपका माइल्स ब्रॉन्सन। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि कंटेंट हाउ मेनी वर्ड्स, वो जो डिक्शनरी लिखे थे इसमें कितना वर्ड्स था। मैडम राइट आंसर इज योर 14,000। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे, देखिए, द अहोम साहित्य सभा केम टू बी नोन बाय इट्स प्रेजेंट नेम ओनली आफ्टर इज रजिस्ट्रेशन ऑन May 5, 1924 एट जोरहाट बाय व्हाट नेम वाज इट नोन अर्लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है अहोम साहित्य सभा का पहला नाम क्या था सर जब यह रजिस्ट्रेशन हुआ था। राइट आंसर इज योर असम साहित्य सम्मिलनी। आंसर इज योर सी, असम साहित्य सम्मिलनी। और ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था सर। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका May 5, 1924 को, और ये कहाँ पे हुआ था सर, ये आपका हुआ था जोरहाट पे। बहुत ही अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए, द लास्ट किंग ऑफ चुतिया किंगडम वाज। चुतिया किंगडम का लास्ट किंग कौन थे? राइट आंसर इज योर नीतिपाल। राइट आंसर इज योर नीतिपाल, ऑप्शन हो जाएगा ए। हमने ऐसे शॉर्ट टिक बनाया, चुतिया किंगडम का लास्ट तक आते आते नीति अच्छा नहीं था। तो अगर आपका नीति अच्छा नहीं होगा मतलब रूल रेगुलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई भी किंगडम कोलैप्स हो जाएगा। तो लास्ट तक आते आते चुतिया किंगडम का नीति होता है ना, नीति इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अगर टिक नहीं रहा तो आपका किंगडम कोलैप्स हो जाएगा। तो लास्ट किंग हो गया हमारा नीतिपाल। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखिए, बदन बरफुकन को कौन एसासिनेट किए थे सर, बोलिए।
राइट आंसर इज योर रूप सिंह सुबेदार, रूप सिंह सुबेदार। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पराग इज ए कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय, पराग कौन सेलिब्रेट करता है सर बोलिए। राइट आंसर इज योर मिसिंग। ये इस तरफ याद कर सकते हैं, पराग ऐसा एक नाम है जो मतलब गुटखा वगैरह का एक नाम है जो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, आपको पता होगा। लेकिन फिर ऐसे हम शॉर्ट टिक बनाने के लिए, ये आजकल मिलता ही नहीं है, ये मिसिंग है, ये आजकल मिलता ही नहीं है, आपको पता है पहले आता था लेकिन पता नहीं आजकल मिलता है कि नहीं, तो ये आजकल मिसिंग है, इससे आप याद कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम वैली लिटरेरी अवार्ड इज गिवन बाय, असम वैली लिटरेरी अवार्ड इज गिवन बाय, राइट आंसर इज योर विलियमसन मैगर एजुकेशनल ट्रस्ट, राइट आंसर इज योर डी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे भाई, विच इज एट द एपेक्स ऑफ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज में सबसे ऊपर में कौन आता है सर बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा, नाम से आपको पता चल जाएगा कौन सा ऊपर में है। राइट आंसर इज योर जिला परिषद, जिला परिषद आपका गांव पंचायत में सब 3-tier में सबसे ऊपर आता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम आसाम ज्वाइन द फेमस डांडी मार्च, ये हमने लास्ट क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराया था सर। देखिए ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटल मतलब काफ़ी डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो जो डिपार्टमेंट में क्वेश्चन रिपीट होगा वो क्वेश्चन आपको रिपीट में मिलेगा। राइट आंसर इज योर लीलाधर बरुआ, ऑप्शन इज योर बी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, द सेकेंड आसामीज फिल्म इंद्रमालती वॉज मेड इन, फर्स्ट हुआ था आपका 1935 में, तो अगला नेक्स्ट कौन सा होगा। देखिए अगर आप एक याद करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा आप आ ही जाएगा, ये अब तो मतलब रिजेक्शन, अगर आपको ऑप्शन भी नहीं पता होगा ना तब भी आप याद कर लेंगे, तब भी आप आराम से टिक मार के आ सकते हैं। ओबियसली अगर फर्स्ट अगर 1935 में होगा तो सेकंड तो 1935 के बाद ही होगा, तो 1935 के बाद आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन इज योर ए। और फर्स्ट फिल्म कौन सा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हम जो लास्ट आपका मैराथन 2 में हमने आपको बताया था, चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा है आसामीज पोएट हरिहर विप्रा वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग, हरिहर विप्रा वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग, कौन थे सर बोलिए। हरिहर विप्रा को पैट्रोनाइज किए थे कौन, राइट आंसर इज योर दुर्लभ नारायण। क्वेश्चन नंबर 13, द ओहम्स एंटर द असम थ्रो, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको पता होगा, ओहम कौन से पास से आए थे सर बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा, यस यू आर राइट, आंसर इज योर पटकाई पास। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है सर, देखिए दारंग डैश गवर्नड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, नाम से ही पता चल रहा है, दारंग डैश गवर्नड बाय कौन करेंगे, ओबियसली दारंग ही लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इन विच ईयर नेशनल गेम्स वॉज हेल्ड इन आसाम, आसाम में कब आपका नेशनल गेम्स हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था सर बोलिए। आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ, हमारा हुआ था गुवाहाटी पे नेशनल गेम्स। अब ये है कि कौन से ईयर पे हुआ था सर बोलिए। राइट आंसर इज योर 2007। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इज ऑनर्ड विथ रासा राज बाई आसामी साहित्य सभा इन द या, लक्ष्मी
लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को आपका रसराज अवार्ड दिया गया असम साहित्य सभा से। अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन से ईयर पे उनको दिया गया था वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर 1931। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोविंशियल सेल्फ ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द असम फ्रॉम, कौन से ईयर पे आपका प्रोविंशियल सेल्फ ऑटोनॉमी अनाउंस किया गया था, स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, बोलिए सर क्या होगा आपका आंसर। आंसर इज योर 1935। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट में आपका पंचायती राज आता है सर, बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन ये है, तो कितना ये अभी इस बार आपका एपीएससी में भी ये वाला आया हुआ है आपका। ट्वेंटी वन का एपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। राइट आंसर इज योर 73rd, एपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, वेरी इजी क्वेश्चन, बोलिए सर हमारा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर 1948। हमारा इंडिपेंडेंस, हमें इंडिपेंडेंस मिलने के एक साल बाद आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था। कौन से डेट पे हुआ था, 26 जनवरी पे डिक्लेयर हुआ था, 26 जनवरी 1948। बहुत ही अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। अकॉर्डिंग टू अहोम लेजेंड्स कुंग लू एंड कुंग लाई वेर द ग्रैंडसन ऑफ, आपका कुन लुंग कुन लाई ये किनका ग्रैंडसन थे, बोलिए सर। राइट आंसर इज योर लैंगडन, लैंगडन का ग्रैंडसन थे आपका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट अहोम किंग वाज, वेरी इजी क्वेश्चन ये तो, आप आराम से आँख बंद करके कर लेंगे। द फर्स्ट अहोम किंग वाज कौन थे सर, बोलिए। फर्स्ट अहोम किंग वाज सुकफा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बागोहाइन पूजा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ, बागोहाइन पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। राइट आंसर इज योर सरानिया कचारी। नेक्स्ट 23 में आइए। करम पूजा इज ए फेस्टिवल ऑफ, करम पूजा इज ए फेस्टिवल ऑफ टी ट्राइब्स। करम पूजा आपका टी ट्राइब्स लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर सर शादुलस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड, सर शादुलस मिनिस्ट्री कब फॉर्म हुआ था सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर 1937। नेक्स्ट 25, मुलागबरू डाइड फाइटिंग अगेंस्ट, मुलागबरू डाइड फाइटिंग अगेंस्ट, मुलागबरू किसके अगेंस्ट में फाइट किए थे, आंसर इज योर तुर्बक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, राइट आंसर इज योर जोरहाट। हमने ऐसे याद किया था जी जे, जे तो जी जैसा ही साउंड करता है ना सर, तो जी गिबन का जी मैंने ले लिया और ये आपका जी आपका जय जैसा ही साउंड करता है, तो जय फॉर जोरहाट। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आइए। विच टाउन इज ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ असम, ये बच्चा बच्चा जानता है, बोलिए सर क्या होगा। राइट आंसर इज योर सवालकुची। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहे हैं सर, रानी गाइदलू
रानी गाइदुला ए फेमस कैरेक्टर ऑफ इंडियन मूवमेंट बिलोंग टू व्हिच ट्राइब? रानी गाइदुला ए फेमस कैरेक्टर ऑफ इंडियन मूवमेंट बिलोंग टू व्हिच ट्राइब? राइट आंसर इज योर नागा ट्राइब। यह कौन से ट्राइब का थे सर बोलिए? ये आपका नागा ट्राइब के थे। गाइदलू से जो कि ये जो नागा गाइदलू से मैंने ले लिया, नागा वर्ड्स का जो जी है ये जी से मैंने बनाया गाइदुला। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है। रोंगकेर इज़ ए फेस्टिवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी? रोंगकेर आपका कौन से कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है सर बोलिए? रोंगकेर नाम में ही आपको दिख रहा होगा, है ना सर? आपको नाम में ही दिख रहा होगा। रोंगकेर है आपका कार्बी का फेमस फेस्टिवल, कार्बी लोगों का। खैर से आपका कार्बी, केयर से आपका कार्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द सिंगरी घर सेलिब्रेशन वॉज फर्स्ट हेल्ड बाई? द सिनागरी घर सेलिब्रेशन वॉज फर्स्ट हेल्ड बाई? सिनागरी घर वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड बाई बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड राइट आंसर इज योर सुदंगफा। 31, हु वॉज द राइटर ऑफ नाम गोसा? आसान क्वेश्चन है। नाम गोसा कौन लिखे थे सर बोलिए? राइट आंसर इज योर माधव देव। क्वेश्चन नंबर 32, असम रूरल पंचायत एक्ट 1948 इज रिप्लेस्ड बाय? असम रूरल पंचायत एक्ट जो 1948 में आया था इसको कौन से नाम से रिप्लेस किया गया है सर बोलिए? राइट आंसर इज योर आंसर असम पंचायत राज एक्ट 1959। असम पंचायत राज एक्ट 1959। नेक्स्ट देखिए सर हम आगे बढ़े रहे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज राइनो डे इन असम बोलिए सर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइनो डे असम में कब सेलिब्रेट किया जाता है सर बोलिए? राइट आंसर इज योर 22nd September। हमने कैसे याद किया देखिए, आर का आर है, मैंने आर राइनो का आर लिया, आर के बाद आएगा आपका एस, तो एस से बनेगा आपका सितंबर, तो उसी से आप आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर सितंबर में अगर दो ऑप्शन दिया रहेगा तो मैंने लिखा आर का वैल्यू होता है 18, जैसे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, ऐसे आर का वैल्यू होता है 18, और 18 के साथ आप 4 लगा दीजिए, 18 + 4 = 22, तो 22nd September। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ये रहा। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ असम रत्न अवार्ड? असम रत्न अवार्ड का फर्स्ट रेसिपियंट कौन थे सर बोलिए? वेरी इजी क्वेश्चन, हमारा असम रत्न। राइट आंसर इज योर भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट श्री सूर्या पहाड़ इज लोकेटेड? यह हमने आपको उससे पहले आपको स्टॉटिक में बताया था। सूर्या पहाड़ कहाँ पे लोकेटेड है सर बोलिए? राइट आंसर इज योर ग्वालपारा। मैंने कैसे याद किया था, ये एक सूर्या एक नाम है जो एक पहाड़ पे गए थे फुटबॉल मैच खेलने के लिए। वो फुटबॉल मैच खेलने के लिए एक पहाड़ में गए थे, मतलब एक हिली एरिया पे गए थे, और वहाँ पे जाके फुटबॉल खेलने के बाद इतना अच्छा खेला कि उन्होंने गोल देके टीम को पूरा जिता दिया। सूर्या जी पहाड़ में गए फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि हिली एरिया में फुटबॉल वगैरह काफ़ी फेमस होता है आपको पता होगा, तो वहाँ पे जाके गोल किए और पूरा टीम को जिता दिया, तो गोल से आया ग्वालपारा। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा। हु एस्टैब्लिश द कोच डायनेस्टी? इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। राइट आंसर इज योर बिस्वा सिंघा। हमने ऐसे याद किया था बिस्वा सिंघा का
मतलब इरादा था कि पूरे वर्ल्ड को मतलब कॉन्क्वायर करने के लिए, विश्व जो वर्ड है मैंने इससे बनाया, विश्व बंगाली बोलते हैं ना, जिनका मतलब होता है पूरा पूरा विश्व को जॉय करना है, तो पूरा वर्ल्ड को जॉय करना है। और उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था, कोच डायनास्टी से, थोड़ा कुछ से स्टार्ट किया, कुछ ही मिल जाए डायनास्टी बना दूंगा और इससे उसको बढ़ाते बढ़ाते पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड रूल करूँगा। तो उन्होंने उनका इरादा, उन विश्व सिंह का इरादा बनाया कि ऑल ओवर वर्ल्ड को, पूरा विश्व को वो रूल करने के लिए, पूरा अपना एम्पायर को फैलाने के लिए। तो उन्होंने ओबियसली थोड़े से स्टार्ट करेंगे, कुछ डायनास्टी से स्टार्ट करेंगे, तो कुछ डायनास्टी से उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच वन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन आसाम। ये तो आप बहुत इजीली बोल देंगे, ये हमने कितना बार आपको कराया, बोलिए सर। राइट आंसर इज़ योर बराइल रेंज, ये हमने आपको ज्योग्राफी का मैराथन क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, सतीश अदानी वाज ए क्वीन ऑफ व्हिच डायनेस्टी। सतीश अदानी आपका कौन से डायनेस्टी से थे, बोलिए सर। सतीश अदानी आपका चुतिया किंगडम से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हिमा दास इज ऑल्सो नोन एज द, बोलिए सर, हिमा दास का निकनेम क्या है सर, बोलिए, क्या नाम दिया गया उनको, वेरी इजी, उनको दिया गया है दिहिंग एक्सप्रेस। देखिए दिहिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ट्राइब इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर इन आसाम। आसाम का सेरिकल्चर कौन इंट्रोड्यूस किए थे। राइट आंसर इज योर बोडो लोगों ने सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस किया था, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 41, फैलकॉन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच प्लेस। फैलकॉन फेस्टिवल आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है सर, बोलिए, वेरी इजी क्वेश्चन। राइट आंसर इज योर उमरांगशु में फैलकॉन फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 42, इन आसामीज कैलेंडर व्हिच मंथ हैव 32 डेज। इन आसामीज कैलेंडर व्हिच मंथ हैव 32 डेज, वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। आसामीज कैलेंडर में आहार मंथ में आपका 32 डेज होता है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहे हैं भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आसामीज रोमांटिक पोएम। सबसे पहला रोमांटिक पोएम कौन सा था सर, बोलिए, राइट आंसर इज योर बोन कुनवारी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट आसामीज चिल्ड्रेन मैगजीन वाज। आसाम का पहला चिल्ड्रेन मैगजीन का नाम क्या था सर, बोलिए, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। राइट आंसर इज योर लोरा बंधु। लोरा मतलब लड़का, बंधु। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मस्जिद इन आसाम। आसाम का सबसे पुराना मस्जिद कौन सा है सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर पानबरी मस्जिद। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, द प्रीकर्सर ऑफ आसामीज साहित्य सभा वाज। प्रीकर्सर ऑफ द आसामीज साहित्य सभा वाज, असम साहित्य सभा का पहला नाम क्या था, असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा। नेक्स्ट 47 क्या बोल रहे सर, द लोगो ऑफ द असम साहित्य सभा वाज डिजाइंड बाय। असमी साहित्य सभा का लोगो कौन डिजाइन किया था सर, बोलिए। असम साहित्य सभा का लोगो कौन डिजाइन किया था सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर जुगल दास ने लोगो को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
द आसाम मेडिकल कॉलेज वॉज फॉर्मरली नोन एज, हमारा आसाम मेडिकल कॉलेज पहला मेडिकल कॉलेज सबसे पहले किस नाम से लॉन्च किया गया था सर, बोलिए। ये वेरी इजी क्वेश्चन, आप आसान से बोल देंगे, बोलिए सर क्या होगा आपका आंसर। राइट आंसर इज योर वेरी वाइट मेडिकल कॉलेज, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहे हैं भाई, हु वॉज द फर्स्ट आसामीज राइटर टू रिसीव साहित्य अकाडमी अवार्ड, हु वॉज द फर्स्ट आसामीज राइटर टू रिसीव साहित्य अकाडमी अवार्ड, सबसे पहले कौन से आसामीज राइटर को साहित्य अकाडमी अवार्ड पुरस्कार मिला है सर, बोलिए। वेरी इजी, राइट आंसर इज योर जतेंद्रनाथ द्वारा, जीत गए थे, सबसे पहले जीते थे इसलिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, जतेंद्रनाथ जीत के आना जतेंद्रनाथ बरु द्वारा। फिर हम आज का आपका लास्ट क्वेश्चन में आ गए, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सर, नेम द प्लेस वेयर द मानस रिवर जॉइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हर डिपार्टमेंट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक सालाना एक क्वेश्चन में आप किसी एक डिपार्टमेंट में का क्वेश्चन में आपके बारे में आपको दिख ही जाएगा, और ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है सर, इसी उम्मीद के साथ आज हम ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हम पूरा प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहे हैं, इतना बिजी रहने के बाद भी हमें एक मोटिवेशन आपका कमेंट से मिलता है कि हम और एक लेक्चर आपके लिए बना के ले आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और हमें हेल्प करेंगे इस टीम को और इस फैमिली को और आगे बढ़ाने में। तो चलिए सर, विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, टेक केयर, बाय बाय।